अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे दरख्त का बताने वाला हूं जिसकी लकड़ी इंटरनेशनल टेम्बर मार्केट से आपको लाखों की नहीं बल्कि करोड़ों में कमाकर दे सकती है। आखिर इस दरख्त की लकड़ी में ऐसी क्या खास बात है कि इतनी महंगी बिकती है? दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि दरख्त लगाना सदका जारिया है। ये न सिर्फ इस दुनिया में हमें फायदा देते हैं बल्कि हमारी आखिरत में भी काम आते हैं। दोस्तों, जब हम पौधे लगाते हैं तो इसमें हमारा एक मकसद लॉन्ग टर्म बिजनेस का भी होता है कि हम जिंदगी के कुछ हिस्सा में इन पौधों का फल या लकड़ी फरोख्त करके पैसा कमा लें। अगर देखा जाए कि जिस तेज़ी से सरखेज़ ज़मीनों में बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी तामीर हो रही हैं और दरख्तों के कत्ले आम हो रहे हैं, तो इतनी ही तेज़ी से हमारे वुड वर्क की सनत के लिए लकड़ी नापैद हो रही है और इसे किसी दूसरे मुल्क से इम्पोर्ट करना पड़ता है। और जो ममालिक लकड़ी एक्सपोर्ट करते हैं वो इस बिज़नेस से खासी अच्छी रकम कमा लेते हैं। दोस्तों, दरख्तों का कारोबार ऐसा नहीं है कि आप आज लगा लें और कल ही आप इसके करोड़ों रुपए कमा लें, मगर ये हकीकत है कि आज चंद हज़ार या चंद लाख रुपए के दरख्त लगाकर 10 या 20 सालों में ये दरख्त आपको करोड़ों रुपए कमा कर दे सकते हैं। जिस दरख्त का हम आपको बताने वाले हैं वो अपनी 10 साल की उम्र में इस काबिल हो जाता है कि उसकी लकड़ी फरोख्त की जा सकती है। चलें सबसे पहले उस दरख्त की आपको पहचान कराते हैं। ये देखें, इस दरख्त की स्किन उतारने पर इसका तना आपको रेड कलर दिखाई देगा, जो इसकी सबसे आसान पहचान है। दूसरी चीज, अगर आप इसकी चाल को देखें तो ये लच्छेदार दिखाई देगी। इस दरख्त का पौधा 20 सालों में 100 फुट और 40 सालों में 200 फुट ऊंचाई तक पहुंच जाता है और इसी तरह अपनी उम्र के लिहाज से चौड़ाई में 1 मीटर से 3 मीटर की डायमीटर तक पहुंच जाता है, मगर 10 सालों में ये इस काबिल हो जाता है कि इसकी लकड़ी फरोख्त की जा सकती है। इसके तने को साफ करने पर भी आपको इसके चाल की हल्की लच्छेदार पट्टी दिखाई देगी। इसकी लकड़ी की खूबसूरती ये है कि दुनिया भर में ये अपने रेड कलर और साफ सुथरी कटाई के लिए मशहूर है। इसकी लकड़ी को रंग करने की जरूरत नहीं होती। ये सीदार फैमिली में वो वाहिद लकड़ी है जो हल्के होने के साथ साथ इंतहाई मजबूत भी होती है, इसीलिए इसे समंदरी जहाज और लाइट बोट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। पानी इसे खराब नहीं करता और न ही इसे दीमक लगता है। दुनिया में इसकी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट ऑस्ट्रेलिया के बाद चाइना कर रहा है। इसकी लकड़ी के खरीदार पूरी दुनिया में मौजूद हैं। हर वो मुल्क जहां बंदरगाहों और बहरी जहाज या लाइट बोट बनाने की सनत मौजूद हो, बर्फानी इलाके जैसे कनाडा, नॉर्थ अमेरिका और यूरोपीय ममालिक में अक्सर मकानात लकड़ी के बनाए जाते हैं, तो उनको इस काम के लिए ऐसी हल्की और मजबूत लकड़ी चाहिए होती है जो पानी और बर्फ़ से ख़राब ना हो और न ही उसे कोई कीड़ा ख़राब कर सके। तो इस लिहाज से इस दरख्त की लकड़ी मौजूद है और यही वजह है इसकी कीमती होने की। आप ये बात जहन में रखें कि ये इंडिया में लगे लाल संदल या लाल चंदन के पौधे नहीं हैं, बल्कि ये महोगनी ज़ात की एक नस्ल है। अगर इसकी लकड़ी के मुतालिक कारपेंटर के इस्तेमाल को देखा जाए तो ये इंतहाई साफ़ सुथरी और बेहतरीन लकड़ी होती है जिस पर काम करने का मज़ा आता है। आपके ख्याल में इसकी एक स्क्वायर मीटर लकड़ी की कीमत क्या हो सकती है? इसकी एक स्क्वायर मीटर लकड़ी की कीमत $100 से शुरू होकर $18,000 तक पहुंचती है। जितनी चौड़ी तने वाली लकड़ी होगी उतनी ही उसकी कीमत ज़्यादा होगी। कीमतों का फ़र्क आप ऑस्ट्रेलियन मार्केट के इस चार्ट में देख सकते हैं।
इसकी एक्सपोर्ट वैल्यू को देखते हुए इंडिया ने भी इसके जंगल लगाना शुरू कर दिए हैं, मगर पाकिस्तान में अभी तक इसकी तरफ किसी की कोई तवज्जो नहीं है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की तरह पाकिस्तान भी इसकी नेटिव कंट्री है। साहिल समंदर से लेकर सतह समंदर से 1500 मीटर बुलंदी तक के बेशतर ममालिक इसकी काश्त के लिए मौजूद हैं। आपकी सहूलत के लिए इन दरख्तों की मुकम्मल हिस्ट्री और हर किस्म के मालूमात के मुतालिक वेबसाइट एड्रेस में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आप कहते होंगे कि आखिर इतनी महंगी लकड़ी वाले इस दरख्त का नाम क्या है? ऑस्ट्रेलियन रेड सीडर, यानी शूना सिलियाटा। चंद शाख है, इसको इसकी सफाई करना पड़ता है। इसको जब साफ करते हैं तो बिल्कुल ये स्ट्रेट निकलता है। ये पौधे दरमियानी और भारी मिट्टी, अच्छी तरह से निकासी वाली मिट्टी को तरजीह देते हैं और भारी चकनी मिट्टी में भी उग सकते हैं। हल्की तेजाबी और गैर जानबदार मिट्टी और बहुत तेजाबी मिट्टी यानी पीएच 4-7 में उग सकते हैं। ये -20 से +50 तक टेम्परेचर को बर्दाश्त करते हैं। ये मुकम्मल साया, नीम साया या बगैर साया जंगल में बढ़ सकते हैं। ये नम या गीली मिट्टी को तरजीह देते हैं और खुशसाली को बर्दाश्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपके ज़हन में सवाल ज़रूर उठा होगा कि ये पौधे हमें कहाँ से मिलेंगे। ये पौधे आपको हम शांगला सवात से सप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आप हमें ऑनलाइन डिमांड कर सकते हैं। भाई इसके साथ ये 10 पौधे, मैंने 11 पौधे एक और रखा है। इसके साथ ये एक लकड़ी मैंने रखी है और उसमें मैंने मिट्टी डाली, इस पे मिट्टी डाली देखिए। और ये लकड़ी इसलिए ये खस करे, बांधे तो ये फिर ये चिड़ा ना हो जाए ताकि पौधे रास्ते में ख़राब ना हो। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे इंशाल्लाह। इसमें 10 पौधे पैक किए गए और इसको ताकि रास्ते में इसमें इसके दरमियान एक बड़ी लकड़ी है, मजबूत लकड़ी, उसको इसके दरमियान रखा है और फिर मजबूत इसे कस कर दिया है। तो इसलिए कि ये पौधे रास्ते में टूट ना जाए, बेशक ये आप फेंकें कुछ भी हो, ये ख़राब नहीं होंगे। हम पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी दे सकते हैं और आप हमारी पैकिंग से मुतमईन रहिएगा। आपका कोई भी पौधा हमारी वजह से ख़राब नहीं होगा और हम पौधों की गारंटी भी देते हैं। अगर आपका कोई पौधा हमारी वजह से ख़राब हुआ तो हम उसकी जगह आपको दूसरा पौधा मुफ्त देंगे। जी जनाब, हमारे पास मुख्तलिफ साइज़ के पौधे दस्तियाब हैं। रेड पौधों की डिमांड पर मुनहसर है। जितने आप ज़्यादा पौधे ख़रीदेंगे उतनी कम कीमत होगी। डिलीवरी डिमांड पर हम 20 से कम पौधों की डिमांड कबूल नहीं करेंगे। हम LCS और TCS पर बाहिफाजत पूरे मुल्क में भेज देते हैं। कोरियर का ख़र्चा ख़रीदार के ज़िम्मा होगा, जो इतना ज़्यादा नहीं है। पौधों की ख़रीदारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर रब्ता करें।